अच्छा, मेरे को 2 साल हो गए तकरीबन तकरीबन यूट्यूब करते हुए, और मैं पिछले 2 साल से अलग अलग तरीके से एक ही बात बार बार गूगल और यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ कि वायरल कैसे हो, वायरल कैसे हो, वायरल कैसे हो। तो हुआ क्या कि मैं अपनी रोज़ की आदत की तरह कल परसों गया यूट्यूब पे, मैंने टाइप किया हाउ टू गेट वायरल, तो वायरल का कोई कीवर्ड मैच हो गया और मेरे को एक वीडियो नज़र आई, कुछ ऐसी थी वो। मैं नहीं खेल रहा, कमाल हो गई यार। इतनी देर से घिसा घिसा के अपनी कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी देर से कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बना के देखते हैं ये वायरल हो सकता है, ये बना के देखते हैं इसके भी चांसेस हैं, ये बना के देखते हैं ये भी वायरल हो सकता है। वो साला अब जाके पता लगा कि कंटेंट बनाने से नहीं, आईब्रोज बनाने से लोग वायरल होते हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ इस वीडियो को देख के। मैं अपने एक दोस्त के पास गया, मैंने कहा भाई ये कौन है? कहता है नेशनल क्रश है। मैं कहे हैं, तो मैंने बोला भाई जब हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी से पहले नेशनल सॉन्ग प्ले होता है, जब पता है नेशनल एंथम प्ले होता है, तो कभी आज तक तो खड़ा हुआ है उस पे? कहता नहीं। शाबाश। अच्छा, वायरल सिंगर भी होते हैं, वायरल एक्टर भी होते हैं। तो जब सिंगर कोई वायरल आता है तो उसको बोलते हैं फंक्शन पे कि भाई कुछ गा के सुना। कोई वायरल एक्टर आता है उसको बोलते हैं भाई कोई अपना डायलॉग बोल के सुना, पेट डायलॉग हो तेरा। अब अगर ये लड़की को किसी फंक्शन पे बुलाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आईब्रोज हिला के दिखा। कुछ भी। और अगर मान लो उस टाइम आईब्रोज ऐसे नहीं हिलते, लग गई ना आशिक की तो। और माफ करना, इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार भी आईब्रोज ऐसे ही ऊपर नीचे होंगे कि आपके दिल पे जाके लगे सीधा? और आप लोग भी ध्यान से सुन लो, अगली बार आईब्रोज अपने रिस्क से ही उठाना। क्या पता कल को आपके घर के बाहर भी भीड़ लगी हो, भाई एक मिनट आईब्रोज इधर से उठा इधर, प्लीज 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 प्लीज, एक बार। चलो, बहुत कर दिया नेशनल क्रश को वायरल, अब करो नेशनल क्रश ट्रोल्ड को वायरल। शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।